कर्ण के हाथ में एक ऐसी रेखा है कि जितना दान करेगा उतना ही खजाने में रात्रि में भर जाएगा। आपको मालूम है सबके हाथों में चिन्ह होता है, जिस किसी के भी स्त्री के बाएं हाथ में पुरुष के दाहिने हाथ में बीचों भी तिल हो, एकदम बीचों भी तिल हो और मुट्ठी बंद करने पर आ जाए। देखो लोग तो अभी से देखने लग गए, अभी तक हमने फल भी नहीं बताया। जिसके हाथ में बीचों बीच तिल हो और मुट्ठी बंद करने पर आ जावे उसके बाद खूब पैसा आएगा, खूब रुपया आएगा, एकदम रुपया गिनता गिनता रहेगा, रुपया खूब आएगा, भले ही बैंक का कैशियर बन के आवे। जिसके पेट पर चिन्ह तिल होगा वो नंबर एक का पेटू होगा, जिसके नासिका पर तिल होगा वो क्रोधी होगा, जिसके कंठ में तिल होगा वो भक्त होगा, जिसके हृदय में तिल होगा वो दयालु होगा, छाती में तिल होगा, जिसके नेत्र के भीतर तिल होगा वो चरित्रहीन होगा। अलग अलग तिल के अलग अलग पर्चे, काला भूरा सब अलग अलग तिल है। महाराज लिखा है बोले करतले यदि करतले यदि यस्य तिलो भवे अविरल किल तस्य धना नमः पद तलेन तिलेन भूषितो विभूषितो नृपति वाहन चिन्ह समर्पितः। जिसके पांव में तिल होगा उसके मोटर गाड़ी बंगला नीचे गाड़ी बाड़ी खड़ी रहेगी। ये तिल के अलग अलग अब पहचान है महाराज। अब इस साइंस को मानो या मत मानो, नारायण अलग अलग फिर बताएंगे। महाराज कान पर तिल होगा तो कान का कच्चा होगा, जो कहेगा तुरंत उसकी बातों में आ जाएगा। किसी के यहां तिल होगा सुंदर होगा, अलग अलग तिल की पहचान है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा सबको सब जिम्मेदारी दी, अब मैं जिम्मेदारी लेता हूं। बोले आप क्या लोगे कृष्ण? बोले दरवाजे पर बैठ करके संतों के चरण धोने का काम मुझे चाहिए, ये सेवा मैं लेता हूं। युधिष्ठिर की आंखों में आंसू आ गए, कृष्ण आप तो सिंहासन पर बैठे हैं, ये सेवा हम कर देंगे। भगवान ने कहा ये सेवा मुझको नहीं दोगे तो मैं द्वारिका चला जाऊंगा। दरवाजे पर बैठ के संतों के चरण धोने का काम कृष्ण करते हैं। और महाराज अब बात आई कि यज्ञ हो उससे पहले अग्र पूजा किसकी हो, अग्र पूजा की बात आई तो एक सहदेव खड़े हुए, सहदेव नाम करके राजा, उन्होंने कहा मेरी दृष्टि में यदि अग्र पूजा किसी की हो तो द्वारिकाधीश श्री कृष्ण की होनी चाहिए, जो संतों के चरण धोने का काम कर रहे हैं। सबने कहा, भीष्म इत्यादि ने साधु 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 जय हो जय हो जय हो। अग्र पूजा के लिए माथे पर तिलक करने लगे, तिलक जो रोली करने लगे। देखो रोली और चावल ये क्यों लगाते हैं, क्या कारण है रोली लगाने का और चावल लगाने का? बोले भैया रोली जो है ये मांगलिक होती है, मांगलिक। मैं सब लोगों से एक बात कहता हूं, जिनके मन में भी जिस तरह के प्रश्न हो अध्यात्म को लेकर के, एक पुस्तक खरीद लो, उस पुस्तक का नाम है क्यों। ये पुस्तक हिंदी में भी है और ये पुस्तक इंग्लिश में भी है, इंग्लिश में वाय, मांग में सिंदूर क्यों, माथे पे बिंदी क्यों, नथनी क्यों, पायल क्यों, बिछिया क्यों, तुलसी पत्र क्यों, हर चीज के पीछे कारण है। तो महाराज मांगलिक होती है रोली और मांगलिक होते हैं चावल। कभी भी पहले तिलक किया जाता तो रोली और चावल से तिलक किया जाता है, ये मंगल का दर्शन कराते हैं, मंगल। और मंगल को वार भी मंगल कहते हैं, कहते नहीं कहते मंगलवार। और मंगलवार का रंग क्या होता है, रोली का रंग क्या होता है, ये मांगलिक कहलाती है। अलग अलग कई लोगों के तिलक, किसी साधारण वैष्णव जो तिलक करते हैं, साधारण वैष्णव नहीं, वैष्णव जो तिलक करते हैं वो रोली से करते हैं, लेकिन वीर जब तिलक करते हैं तो लाल रक्त से करते हैं। वीर क्षत्रिय तिलक रक्त से करते हैं, ये वीर। तो अलग अलग तिलक के अलग अलग प्रभाव हैं, वो अलग अलग काल हैं। रणभूमि में मरता हुआ तिलक करेगा तो रोली चावल कहां से आएगा, उस समय लाल रक्त से तिलक करेगा। तो रोली और चावल ये दोनों मांगलिक हैं, इसलिए करना चाहिए।
तुलसी, तुलसी किसी ने कहा कि तुलसी कब नहीं तोड़नी चाहिए, कौन कौन से समय पर नहीं तोड़नी चाहिए और तुलसी कब नहीं चढ़ानी चाहिए। बोले संक्रांति, रविवार, द्वादशी, संध्या, रात्रि आदि कुछ समय ऐसे हैं जिस समय तुलसी तोड़ना वर्जित है। और क्यों, पुस्तक में आप सब कारण ढूंढ सकते हो, सब मिल जाएंगे आपको, बहुत मोटी पुस्तक। नारायण, हमारे सामने एक प्रश्न और आया कि ये जो सतिया बनता है इसमें निशानियों छोड़ते हैं ना, कोने कोने में निकालते हैं, तीर चार निकालते हैं, ये क्यों? ये भी आप क्यों पुस्तक में पढ़ लो, इसका भी कारण आपको मिल जाएगा। ये चार प्रणव से निर्मित है, चार ओंकार से निर्मित है, पहली बात तो सतिया। और इसमें जो चार लकीर खींची जाती है, ये चार लकीर किसकी होती है? ये होती है रिद्धि, सिद्धि, सिद्धि बुद्धि, शुभ और लाभ, इनकी चार लकीरें खींची जाती है। हर चीज के पीछे कारण है, दस दिशा बिंदी भी लगाई जाती है, हर चीज के पीछे कारण है। ये आप पढ़ सकते हैं पुस्तक। महाराज शिशुपाल खड़ा हो गया, उससे भगवान की ये प्रथम पूजा सहन नहीं हो रही है। उसने कहा, वाह, इन सभा में राजाओं का अपमान करने के लिए ये यज्ञ हो रहा है? अरे हम सब महान राजाओं के बैठने होने के बाद भी यहां पर उसकी पूजा हो रही है जो गांव का ग्वारिया है, गौएं चराने वाला। महाराज गाली देना शुरू कर दिया। भीमसेन खड़े हुए, शिशुपाल सावधान। भगवान ने कहा, दादा तुम बैठ जाओ एक बार, इससे मेरा तीन जन्म का हिसाब है, तीन जन्म का, आज सारा हिसाब, सारी लेन देन पूरी कर लेनी है, तीन जन्म का हिसाब है इसका, ये अंतिम जन्म है, लेन देन पूरा करना है। अब तक जितने भी क्लोजिंग बैलेंस थे वो ओपनिंग बैलेंस बन के अगले जन्म में इसके आ रहे थे, लेकिन अब तो बैलेंस निल कर देना है, लेना देना सारा बराबर कर देना, जो कर्जा लिया और जो चुकाना सब देना। लेना क्या है? बोले गाली। इससे लेना क्या है? बोले गाली। और देना क्या है? बोले जो गति बड़े बड़े योगियों को भी दुर्लभ होती है, वो भगवान के पार्षदत्व की गति, वो भगवान के द्वारपाल की गति, इसको प्रदान करनी है मेरे लिए। और महाराज ये शिशुपाल जब पैदा हुआ था, इसके चार हाथ थे और तीन नेत्र थे। हाँ महाराज, कहा कि चार हाथ, बड़ा विचित्र बालक पैदा हुआ, चार हाथ तीन नेत्र। तो किसी ज्योतिषी ने कहा, बोले जो इसको मारेगा उसकी गोद में आते ही इसके दो हाथ गिर जाएंगे और तीसरा नेत्र गायब हो जाएगा। तो शिशुपाल की जो मैया थी, कोई भी आता उसकी गोद में एक बार जरूर बैठा देती। एक दिन भगवान द्वारिकाधीश श्री कृष्ण आए हैं, उनकी गोद में बैठाया, जो बैठाया शेष हाथ झड़ गए और नेत्र भी चला गया। मां समझ गई कि मारने वाले हैं, हाथ जोड़ करके कहती है, हे कृष्ण मैं तुमसे कुछ मांगना चाहती हूँ, कुछ कहना चाहती हूँ। बोले क्या? बोले तेरी बुआ लगती है, ये अधिकार तो मेरा, कृष्ण की पांच बुआ है उनमें से ये एक है। बोले मैं तुम्हारी बुआ लगती हूँ, तुमसे कुछ मांगना चाहती हूँ। बोले बुआ तू मांग सकती है, मैं दूंगा, लेकिन इसके प्राणों को छोड़कर तू जो मांगना चाहती है मैं दूंगा। बोले कृष्ण मैं प्राणों की रक्षा तो चाहती हूँ कि तू इसे मारना नहीं। भगवान ने कहा, बुआ मांग तो रही है, लेकिन मैं एक वचन दे सकता हूं कि शिशुपाल के 100 अपराध तक मैं क्षमा करूंगा। और ऐसा भी नहीं कि आज 10 अपराध कर लिए, परसों 10 अपराध कर लिए, फिर 10 अपराध कर लिए तो 100 हो गए फिर मारूंगा, ना, एक ही दिन में 100 अपराध, एक ही दिन में अगर 100 अपराध ये कर देगा तो 100 अपराध तक सहन करूंगा, लिमिटेड कंपनी बना रहा हूं, लिमिटेड कंपनी, 100 अपराध तक सहन करूंगा और उसके बाद इसका वध कर दूंगा अगर उसके ऊपर होगा। शिशुपाल की मैया शांत हो गई, बोले ठीक ठीक ठीक, कोई दिक्कत नहीं कृष्ण, ये वचन तुमने दिया। हाँ शिशुपाल की मैया सोचे, एक दिन में 10 अपराध करेगा, 20 करेगा, 100 अपराध तो करेगा नहीं, और गिनती भी करके अगर एक एक करके 50 दिन में भी 100 अपराध होते तो वो गिनती में नहीं आएंगे, और एक दिन में मेरा बेटा 100 अपराध करना नहीं है। लेकिन भैया होनहार भवतव्यता तैसी मिले सहार, भाग्य लेके कौन बेटेगा। गाली देने लगा, भगवान ने कहा पुराना लेन देन है दाऊ दादा, अरे वो भीमसेन दादा बराबर करने दो।
दरतु दरतु गालीम गाली बनतो भवंत वयमपी तस्या भावे गाली दाने समर्थ गाली पे गाली देवे। चक्र सुदर्शन भगवान का उंगली पर, शिशुपाल सावधान, 90 हो गई। हाँ हाँ क्या समझ रखा है, और देता हूं, तू क्या बिगाड़ेगा मेरा। और जो 100 गाली पूरी हुई, 101वीं गाली में भगवान का चक्र चल पड़ा है, इसकी गर्दन को महाराज अमनिया कर दिया है, इसकी जोत निकली, भगवान के श्री चरणों में लीन हो गई। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि जयकार करी। द्वारिकाधीश भगवान की, बोलिए पतित पावन भगवान की, गिरे हुए का उद्धार भगवान ने कर दिया। और उसके बाद में राजसूय यज्ञ संपन्न हुआ है। भगवान की उंगली कटी थी, द्रौपदी ने दौड़ करके अपनी साड़ी को ही फाड़ करके और महाराज भगवान की उंगली में बांधा है। भगवान के नेत्र सजल हो गए, द्रौपदी इतनी महंगी साड़ी तूने फाड़ दी और मेरी उंगली में चीर बांध दिया। द्रौपदी कहती है, हे केशव प्यारे घनश्याम, यदि जो आवे तुम्हारे काम, प्यारे घनश्याम यदि आवे जो तुम्हारे काम, काट दू चांद ये तो रेशम के तागे हैं, मैं चमड़ी तक काट दू अगर तुम्हारे काम आवे, ये तो रेशम के तागे हैं। अरे वे धागे भी पुराने इन्हें दुर्लभ कैसे माने, न तो दुल्हा के जोड़े हैं न तो दुल्हन के बारे हैं, और मैंने कहा फाड़ा चीर, मैंने कहा फाड़ा चीर रक्त देख पीर, धागे होए के अधीर स्वयं चीर छोड़ भागे, होए के अधीर स्वयं चीर छोड़ भागे हैं। अपने आप ही साड़ी से धागे निकल गए, तुम्हारी उंगली में बंध गए, मैंने कहा बांधा। भगवान ने कहा द्रौपदी कृष्णा तेने मेरी उंगली में इतना सा कपड़ा बांधा है, मुझे मेरा भक्त इतना देता है, मैं उसका अनंत करके उसे देता हूं। जब समय आएगा तेरी ऊपर विपत्ति आएगी महान, तो ये ही एक बिलस्त कपड़ा अनंत बन के तेरी लज्जा को रक्षा करने के काम आएगा। और भगवान ने इसी का प्रतिफल दिया है, द्रौपदी की रक्षा करी है। और उसके पश्चात पांडवों ने पूछा, कृष्ण राजसु यज्ञ पूरा होगा, इसकी पहचान क्या, कैसे पहचान। बोले भैया दादा, महाप्रसाद जब होगा तो शंख अपने आप बजेगा, और शंख जब अपने आप बजेगा तो समझ लेना यज्ञ पूरा हो गया। बड़े बड़े भक्त आए, सब आए, प्रसाद पाया, अभी तक शंख नहीं बजा। युधिष्ठिर ने कहा कृष्ण शंख बजता नहीं। बोले मेरा भक्त अभी तक नहीं आया। बोले कौन भक्त। बोले यमुना किनारे मेरा वाल्मीकि भक्त रहता है, वो अभी तक नहीं आया, बुलाओ उसके लिए। महाराज समाचार भेजा, इसलिए कवि कथा हो, निकटवर्ती संत महात्मा वैष्णव कथा में आवे, प्रसाद पवाओ अपने हाथ से, दक्षिणा दो। हमारा पुत्र श्री हरि, जब उसका कार्यक्रम श्री हरि महोत्सव किया गया था वृंदावन में, तो महाराज बड़ी कृपा करते हुए वृंदावन के ब्रज क्षेत्र के बड़े बड़े संत वहां पर आए थे। किन्होंने देखा था, कौन आए थे कार्यक्रम में, कोई आया था कार्यक्रम में, है कोई, ये कार्यक्रम में बैठे हुए आए हुए लोग हैं। और महाराज सबके प्रसाद की व्यवस्था एक अलग बना करके, और इस तरह का महोत्सव हुआ, जो कहीं जल्दी पाते नहीं है वो भी वहां पर विराजे। कार्यक्रम चल रहा था, व्यवस्था संभालने वाले संभाल रहे थे, और दास को अवसर मिला है कि संतों के चरण धो करके और उन्हें प्रसादी पवाने का अवसर दास को मिला है। उसमें हमारे राजेंद्र दास जी मलुक पीठ वाले महाराज जी भी पधारे और कई लोग, और रुके बाकायदा। बोले हम कभी संसार के इस प्रकार के कार्यक्रम में जाते नहीं है, कहीं जन्मदिन हो रहा है ऐसे, और हम इसमें नहीं जाते, लेकिन इसका उत्सव का नाम रखा था श्री हरि नंद महोत्सव, श्री हरि नंद महोत्सव। फिर सोचा कि पूज्य शास्त्री जी महाराज के यहाँ का यह कार्य है तो बड़ा सात्विक होगा, पर हमने आकर के देखा कि वास्तविकता में संतों की अलग व्यवस्था, सात्विक व्यवस्था यहाँ पर सब की हुई है। देख करके हृदय प्रसन्न हुआ है, और सब संतों का आशीर्वाद बालक को मिला है, नारायण। उसके पश्चात में
वाल्मीकि को बुलाने के लिए भीमसेन गए हैं। भीमसेन पहुंचे, भीमसेन ने कहा भगतराज जो देखा। हाँ भैया, बोले चलो भोजन पाओ, यज्ञ पूरा हो गया पांडवों का, चलो। बोले भैया हम वाल्मीकि हैं, हम यहीं रहना चाहते हैं, हम प्रणाम आपको यहीं से करते हैं, हमारा आशीर्वाद स्वीकार कर ले, हम प्रणाम भी करते हैं आपके लिए। भीमसेन लौट के आ गया। युधिष्ठिर को कहा वो आता नहीं है, कृष्ण को कहा कृष्ण वो आता नहीं है। बोले किसको भेजा था? बोले भीम गया था। अरे दादा वहां मोटी बुद्धि के पहलवान को भेज दियो तुमने। अरे संतन को बुलाने को भी, भक्तन को बुलाने को भी अपने ढंग हुआ करे, ऐसे ही भेज दियो। अरे वाक को देख करके तो आता भयो भी लौट जाएगा। युधिष्ठिर दादा स्वयं जाओ। आज युधिष्ठिर स्वयं आए, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करी, भगत राज आपको भगवान श्री कृष्ण स्मरण कर रहे हैं, प्रसाद पाने चले। आंखों में आंसू आ गए, प्रभु मेरा स्मरण कर रहे हैं। आज तुरंत दौड़े दौड़े आए गए, भोजन की थाल सामने रखी है, द्रौपदी 56 भोग सजा करके लाई है, पंचमेल की सब्जी है, पूड़ी है, बूंदी का रायता है, और महाराज दाल की कचौड़ी है। आइटम तो बहुत है, लेकिन हम तो वो गिना रहे हैं जो कल के भंडारे में है। हाँ, और महाराज क्या एक वो मिर्ची का टपोरा, सही है हम, हाँ और बढ़िया। बस वो मिश्री वाला नहीं हो पा रहा, बाकी सब हो गया, लेकिन सब कुछ इतना बढ़िया बढ़िया। फिर अब अन्य चीजें खूब हो गई महाराज, सब चीज चावल वावल, कई तरह के चावल हैं, कई तरह की पूड़ी हैं, कई तरह की सब्जियां हैं, कई तरह के व्यंजन हैं, सबका सब रखा सामने। भगत राज ने क्या किया? बोले रायते को खीर में डाल लिया, खीर रायते को लेकर चावल में डाल लिया, पूड़ी लेकर उसमें डाल ली, पचमेल की सब्जी, सब सकल पोंगल बना लिया, रंग जी का सब मिला लिया, और मिला करके एक ग्रास जो मुख में लिया है, शंख में से ध्वनि निकलने लगी है। महाराज गदगद हो गए, गदगद हो गए, और ध्वनि निकलते ही बंद हो गया, तुरंत बंद हो गया। बोले भैया ये शंख पूरा बजा ही नहीं, बंद क्यों हो गया? बोले लगता है किसी भगत, मेरे भगत का किसी ने अपमान कर दिया है। बोले द्रौपदी तेने तो अपमान नहीं किया। बोले कृष्ण इसको खाता देखकर मुझे हंसी आ गई। बोले क्यों? बोले इस पर खाना ही नहीं आता, मैंने इतने बढ़िया बढ़िया केसरिया खीर बनाई थी, है बूंदी का रायता, कभी खाता स्वाद लेता एक एक चीज का पता लगता क्या बनाए, इसको सब मिला लिया। बोले पूछो इससे। बोले भगत राज आप एक एक चीज का आनंद लेकर खाते, फिर बताते कौन सी चीज कैसी बनी है, कोई कमी तो नहीं है, आपने सब कुछ क्यों मिला लिया? भगत राज की आंखों में आंसू आ गए। बोले द्रौपदी स्वाद लेने का अधिकार तो हमारे ठाकुर श्री कृष्ण के लिए है, हमें तो केवल प्रसाद पाने का अधिकारी समझ लिया, यही बड़ी कृपा हम पर की है। स्वाद का, प्रसाद का क्या स्वाद लेना है? नेत्र सजल हो गए। द्रौपदी बोले हम तो जीव के स्वाद में मर जाते हैं और भक्त प्रसाद के लिए मर जाते हैं। नारायण उसके बाद में महाराज शिशुपाल का वध हो गया, युधिष्ठिर का यज्ञ पूरा हो गया, उस सभा में दुर्योधन का अपमान हुआ है, जिसका प्रतिशोध दुर्योधन ने द्रौपदी से लिया है, पांडवों से लिया है। शिशुपाल के सखा शाल्व हैं और महाराज इन्होंने महामायावी शाल्व हैं, इन्होंने आक्रमण कर दिया। दंतवक्त विदुरत ये भी पहुंचे हैं शाल्व के साथ। भगवान श्री कृष्ण तो द्वारिका में है, हस्तिनापुर में है, इंद्रप्रस्थ में, और ये पहुंच गए हैं द्वारिका कि हमारे मित्र को मारा है शिशुपाल को, हम उसके वंश को नष्ट कर देंगे। और भगवान श्री कृष्ण बलराम की अनुपस्थिति में ये द्वारिका आ गए, भयंकर महायुद्ध छिड़ गया है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा दादा हाँ, बार बार मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ गलत होने जा रहा है द्वारिका, मतलब मुझे ऐसा आभास हो रहा है अब यहां रुकना ठीक नहीं है। श्री कृष्ण और बलराम दोनों द्वारिका पहुंचे हैं, वहां महाराज रक्त की धार बह रही थी, हाहाकार, हाय मर गए मर गए मर गए मर गए, सब चिल्ला रहे थे महाराज। अरे द्वारिकाधीश रक्षा करवा करके, भगवान श्री कृष्ण के बच्चे लोहा ले रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने आते ही आते अपना पांचजन्य शंख बजाया है, और जो पांचजन्य शंख बजाया इन शत्रुओं ने देखा, बोले अब तुम्हारा बाप आ गया है यहां पर, चिंता मत करो। भगवान श्री कृष्ण ने बलभद्र बलराम को द्वार पर बैठाया, दादा ये हमारे घर में घुस आए, भीतर महल में ना चले जाएं, आप दरवाजे पर हो जाओ और मैं इनसे लोहा लेता हूं। प्रद्युम्न अनिरुद्ध
सांब श्री कृष्ण सब लोहा लेते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने सबका वध किया है। इसमें एक माया भी करी है, एक दुष्ट ने वसुदेव की गर्दन काटने की माया, जिसको देखकर एक बार के लिए भगवान कृष्ण क्षुब्ध हुए। बाद में ध्यान दिया, मेरे पिता की गर्दन काटने की सामर्थ्य इसमें नहीं है। बोले क्यों? बोले जब दरवाजे पर दाऊ बैठे हैं तो उस रेखा को पार करने की सामर्थ्य इनमें से एक में नहीं है। और बाद में माया खत्म हुई, भगवान ने इसका भी वध किया। मायापति के आगे माया दिखा रहे हो। और उसके पश्चात में महाराज बलराम जी तीर्थ यात्रा में गए हैं, सूत जी महाराज गद्दी पर बैठे हुए हैं। बलराम जी को देखकर सबने प्रणाम किया, सूत जी महाराज उतरे नहीं। बलराम जी ने देखा, हमको देख करके भी प्रणाम नहीं करते। बलराम जी ने इनकी गर्दन काट दी है। हाहाकार मच गई, चारों तरफ हाहाकार मच गई है। सब चिल्लाने लगे हैं, महाराज अरे अंधकार छा गया, क्या हो गया, बहुत अमंगल हो गया। और महाराज बलराम जी ने कहा क्या करें? बोले हे महाराज, ये हमें कथा सुना रहे थे और आपने इनकी गर्दन काट दी। बोले तो जिंदा कर देता हूं। बोले नहीं नहीं, जिंदा मत करिए, अगर आप जिंदा करेंगे तो आपके हल की मर्यादा चली जाएगी। बोले फिर क्या करें? बोले इनके पुत्र को गद्दी पर बैठा देते हैं। आत्मा वही जायते पुत्र रोम हर्षण, गद्दी पर बैठा दिए गए। और महाराज उसके बाद में उसके पश्चात ऋषियों ने प्रार्थना करी कि हमारे कथा में विघ्न डालने वाला एक दानव है, बलबल उसका नाम है, महाराज आप कृपा करें, उसे समाप्त करें, रक्षा करें हमारी। भगवान बलराम ने बलबल दानव को समाप्त किया, ऋषियों को प्रणाम किया, आत्मग्लानि से ग्रसित हैं कि मैंने एक व्यास की हत्या कर दी। गद्दी पर बैठे हुए नारायण, आज हमारे पास एक वीडियो आई है जिसमें कि एक बात कही गई, सब वैश्या हैं, उसमें व्यास को भी वैश्या कहा है नारायण। और कौन कह रहे हैं, कौन कह रहे हैं, कोई और नहीं। अब किसी की निंदा नहीं, अब मैं केवल वाणी में इतना ही कहूंगा, उन्होंने कहा कि एक मां अपने बच्चे को, बच्ची को पैदा करके बड़ा करती है, बाद में ऐसी परिस्थिति आती है कि बच्ची को बेच करके उसे धन कमाना पड़ता है, तो बच्ची तन बेचती है तो वैश्या कहलाती है, और जो ब्राह्मण विद्या अध्ययन करने के बाद में अपनी विद्या को बेचता है तो वो भी वैश्या है। पहली बात तो ये बात कहकर के कहीं ना कहीं, और ये भी कहा इस व्यासपीठ पर बैठ करके अगर कोई लेता है तो वो भी वैश्या है, तो ये अपराध है। क्यों? एक ब्राह्मण का काम लेना है, ब्राह्मण का काम लेना है, देने वाला दे तो ब्राह्मण का काम लेना है, और दान लेने वाला ब्राह्मण वैश्या कैसे हो सकता है? जो व्यास कथा करे और उसे अगर कोई दक्षिणा देवे और वो लेवे तो वो व्यास वैश्या कैसे हो सकता है? वहां व्यास की तुलना भी अगर ऐसा होने लग जाए कि कथा करे और लेना भी खत्म कर दे तो घर गृहस्थ कैसे चलेगा, ये बताओ। और एक प्रसिद्ध राष्ट्रीय संत कहे जाने वाले ने यह बात अपनी व्यासपीठ से कही है। शास्त्र में लिखा है ब्राह्मण को अपनी ओर से मांगना नहीं चाहिए, ये लिखा है बिल्कुल, कि ब्राह्मण यदि अपनी ओर से मांगता है नारायण, उसमें यह नहीं लिखा कि नहीं मांगना चाहिए, उसमें यह लिखा है, श्लोक का भाव बता रहा हूं, कि यदि ब्राह्मण अपनी ओर से मांगता है तो ज्ञान दुर्बल है, कमजोर है, लेकिन यदि फिर भी ब्राह्मण मांगता है और उसे देने वाला देता है तो उससे पितर प्रसन्न हो जाते हैं, कि जो ब्राह्मण घर पर आया और उसने मांगा और दे दिया हमारे घर से तो पितर प्रसन्न हो जाते हैं। अब दूसरी बात सुनो, दातारह, देखो अब आधी लाइन याद नहीं आ रही, देने वाला यदि देवे नहीं, ये हमने यहां पर कहा ही नहीं, कहा हमें स्मरण नहीं है, देने वाला देवे नहीं और याचक न अभियाचते, मांगने वाला मांगे नहीं, तो दोनों
देने वाला भी और न मांगने वाला ब्राह्मण भी, वो दोनों नरक में जाते हैं। उभौतौ नरकम याति यावत् चंद्र दिवाकरौ। जैसे यजमान किया, कार्यक्रम किया, अनुष्ठान किया, कहता हूं कर्मकांड किया, यज्ञ कराया, यज्ञ की पत्नी का नाम दक्षिणा है, तो यज्ञ करने वाले को दक्षिणा तो देनी ही चाहिए करवाने वाले के लिए, तो वैश्या कैसे हो जाएगा। इसलिए वाणी का संयम इतना मर्यादित हो, सोचिए नृप, सोचिए विप्र, जो वेद विहीना, वो ब्राह्मण सोचनीय है जो वेद विहीन है, और बेचे ही जो वेदों को बेचता है वो भी सोचनीय है, लेकिन वैश्या नहीं है। और बेचा कब जाता है, हमने कीमत लगाई कि हम यज्ञ करेंगे तो हमें इतनी दक्षिणा चाहिए, वो बेच रहा है, लेकिन अगर यज्ञ करता है और प्रसन्नता के साथ उसे यजमान दक्षिणा देता है और ब्राह्मण प्रसन्नता से लेता है, वो ब्राह्मण से ऊंचा दूसरा कोई ब्राह्मण नहीं है। इसलिए ब्राह्मण को कभी मांगना तो चाहिए नहीं, इसमें संदेह नहीं, हम इस पक्ष में हैं कि ब्राह्मण को मुंह से बोल करके नहीं मांगे कि हमें इतना चाहिए। हमारे दादा गुरुजी ने हमें यह चीज सिखाई और संकल्पबद्ध होकर के हमने यह किया। इसलिए सन 2004 से लेकर के 2018 तक, आज तक इस व्यासपीठ पर बैठ करके हमने कभी किसी से यह नहीं कहा कि हमारी अपनी ये दक्षिणाएं हमें दीजिए। और ब्राह्मणों के लिए, ये सारे ब्राह्मण यहां पर बैठे हैं, ये सब जानते हैं कि पूज्य श्री दादा गुरु जी का जो परिवार है दादा गुरु जी के यहां से, और पूज्य दादा गुरु जी के द्वारा हमेशा से विप्र कुल का, ब्राह्मणों का पोषण ही हुआ है, शोषण कभी नहीं हुआ है। और हम भी इसी परंपरा को बनाने का प्रयास भी करते हैं और अधिक से अधिक दिलाने का प्रयास करते हैं। आज भी ब्राह्मणों को इतना इतना सबको मिलने वाला है, आज ही मिलेगा, हाँ सबको मिलेगा। और महाराज बड़े प्रेम के साथ में अब एक प्रसंग सुना दे, अब मैं क्या बताऊं, आज इतनी मूल पर कथा हुई है कि मूल पर कथा करते करते कथा बहुत बच गई और समय आ गया। अब सुदामा चरित्र को सुनाऊं पहले एक बार। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की। उससे पहले एक पद जो मैंने प्रभु कृपा से लिखा है और जिसमें मैंने श्री कृष्ण को अपना भाई और श्री राधा को भाभी के रूप में, लौकिक संबंध भी भगवान से बनाए तो मंगल ही होता है। झूलन महोत्सव आया और हृदय में प्रेरणा हुई, झूला झूलन पधारो महाराज, झूला झूलन पधारो महाराज, झूला झूलन पधारो सरकार, मैं जो हूँ थारी पात पद है जो शरीर के द्वारा लिखा गया। हम भी राजस्थान का ही विकास है, हमारा पूर्वजों का भी, लेकिन ब्रजवासी होने के बाद में राजस्थानी बोलना हमारे लिए थोड़ा कठिन, सुनना भी समझ में आता, थोड़ा बोल भी लेते हैं, लेकिन प्रभु ने कृपा करी, यह पद उन्हीं ने लिखवाया। हरे ने नामे प्यास घनी, दर्शन ये बिनती मेरी
हारो भासु भैया रिश्तो पुरानो है थारो भासु भैया रिश्तो पुरानो है हारी अर्जी भावज ने संग में लानो नारायण। द्वारिकाधीश द्वारिका में बैठे हैं, राजा परीक्षित ने एक प्रश्न आज किया है। क्या प्रश्न किया? हे प्रभु एक बात बता, मैं आपने इतनी सुंदर सुंदर कथाएं मुझको सुनाई हैं, अब ऐसी कथा सुनना चाहता हूं जिसमें भगवान ने किसी दीन पर कृपा की हो। भगवान कैसे हैं? जेहि दीन प्यारे वेद पुकारे, जेहि दीन प्यारे वेद पुकारे। जिनको दीन प्यारे हैं, जिन्होंने दीनों पर कृपा की हो, राजन सुन मेरी बात, अब तुझे एक ऐसी कथा सुनाता हूं जो भगवान की बहुत पुरानी प्राचीन कथा, बाल्यकाल की कथा है, और बाल्यकाल के बाद उस कथा का संबंध सीधे बड़े होने के बाद जुड़ा पुनः, और संबंध बाल्यकाल से लेकर बड़े होने तक मन से जुड़ा रहा, वाणी से जुड़ा रहा। वाणी वही पवित्र है जो भगवान का गुणानुवाद करती है, नेत्र वही पवित्र है जो भगवत दर्शन करते हैं, हृदय वही पवित्र है जो भगवान का स्मरण करता है। अब तुझे एक ऐसी कथा सुन, बहुत पुरानी,
बोली कृष्णस्यासी सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। भगवान श्री कृष्ण का एक सखा, भागवत में को नाम नहीं दिया लेकिन ये प्रसिद्ध प्रचलित नाम है सुदामा। मित्रता कैसी हो ये सीखो। सुदामा भगवान के बाल्यकाल के सखा है, स्कूलिंग साथ की है, दोनों ने एक साथ पढ़े हैं उज्जैन में सांदीपनी गुरु जी के यहां पर। और बचपन का समय वो होता है जो भूले नहीं भूलता। दूध ओटा हुआ है तो स्वादिष्ट बहुत है, भक्ति ओटी रहनी चाहिए, वैराग्य गर्म रहना चाहिए, वैराग्य को ठंडा नहीं रहना चाहिए। वैराग्य गर्म रहेगा तो ही वैराग्य का कल्याण है, और वैराग्य ठंडा पड़ गया तो बेकार। भक्ति भी ओटी रहवे स्वादिष्ट है, मिठास रहेगी उसमें। हम सब अगर देखें तो हम सब का जीवन भी सुदामा है। क्यों? आज से 20 साल पुराना जीवन याद करके देखो, जो आज लग्जरी लाइफ है 20 साल पहले थी, और आज ठाकुर जी की कृपा देखो। कोई पूछे कि ये सब आया कब, कौन सी तारीख, कौन सा सन, कौन सा महीना, कौन से समय, किस घंटे, किस मिनट, किस सेकंड में आपके पास इतना सब कुछ आया, आप नहीं बता सकते। क्यों? एक शायर ने कहा है, फैलाई जिसने झोली तेरे दरबार में आकर, फैलाई जिसने झोली तेरे दरबार में आकर, तुझे देता नहीं देखा मगर झोली भरी देखी। वो कब देता है, कहां से देता है, कैसे देता है, ये कोई नहीं जानता, लेकिन घर का भंडार भर जाता है। हम सब सुदामा ही हैं, लेकिन अभी सुदामा और हम में अंतर क्या है? अगर दीनता का धरातल देखें तो हम सब सुदामा हैं, लेकिन दैन्यता अभी हमारे अंदर नहीं है, विनम्रता हमारे अंदर नहीं है। सुदामा के अंदर कौन से सद्गुण थे और हमारे अंदर कौन सी कमी है? गरीब तो हम आज भी हैं, निर्धन तो हम आज भी हैं। क्यों? कौन कहता है मैं धनवान हूं? कोई कहता है मैं धनवान हूं तो फिर धन कमाने के लिए भागते क्यों हो? अगर धनवान हो गए तो आराम से शान से बैठो, क्यों भाग रहे हो और धन कमाने को? अरे भैया, किसी पर एक है तो 10 कमाना चाहता है, उसको भी भिखारी कह रहे हो। किसी पर 10 है तो 20 कमाना चाहता है, वो भी तो भिखारी हुआ फिर। भिखारी मांगता है, हम मांगते थोड़े ही। अच्छा, भगवान के मंदिर में जाकर कभी मांगते नहीं हो? तो भगवान से ही तो मांगते हैं। अरे कमाल है, वो इंसान से मांग रहा है, तुम भगवान से मांग रहे हो। मांगना तो दोनों कर रहे हैं, भिखारी तो दोनों हुए। भैया, अब सुदामा के गुण सुनो। सबसे पहला तो सखा है, भगवान का सखा है, ये पहला गुण है। सखा साथ में खाता है, भगवान के साथ बैठता है, भगवान पाते हैं तब पाता है। सहैव खादति स सखा। आओ खाओ, आप भी पाओ, और आप पाओ ना, हम बैठ के साथ में खा रहे हैं, आप पाओ। हम भगवान को नहीं पवाते, हम खुद खाते हैं। कभी गोलगप्पा ढकेल पे खड़े होकर के खाते हैं। हाँ, भगवत स्मरण नहीं होता उस समय हमें, रुपया भी देते हैं और खाते भी हैं चकाचक। भैया, भगवान को पवा करके पाओ। खाना है तो उसके साथ, वो पाए तो हम पाए। सहैव खादति। दूसरा, ब्राह्मण है,
ब्राह्मण का भाव। रामचरितमानस में एक दोहा है, विप्रधेनु सुर संत हित। ब्राह्मण किसका प्रतिनिधित्व करता है? बोले ब्राह्मण धर्म का प्रतिनिधित्व करता है। तो पहली बात तो भगवान का सखा है, साथ में खाने वाला है, वो पाते हैं तो पाता है। दूसरी बात, ये धर्म युक्त है, इसने जीवन में धर्म का त्याग नहीं किया, इतनी विपत्ति आने के बाद इसलिए ब्राह्मण कहा गया। यहां क्षत्रिय भी होता तो भी चल जाएगा, क्योंकि धर्म से युक्त है या नहीं है पहले ही तो देखो। कृष्ण गीता में कह रहे स्वधर्मे निधनम श्रेयः, अपने धर्म में मर जाना श्रेष्ठ है। तो ब्राह्मण धर्म का प्रतिनिधित्व करता है, तो धर्म युक्त है या नहीं, दूसरी बात। तीसरी बात, ब्रह्म वित्तमः, ये गरीब नहीं है। लोग कहते हमने तो सुना है सुदामा गरीब था, ये गरीब नहीं है, इसके पास बहुत खजाना है। हाँ हाँ, ये उस खजाने का मालिक है। अच्छा एक बात बताओ, एक गुलाबी नोट धन है कि नहीं है? रुपया धन है? डॉलर धन है? अरे बताओ, केवल रुपया ही धन है कि डॉलर भी धन है? हैं? अच्छा पौंड धन है? अरे कमाल हो गया, धन तो एक ही हो सकता है, धन एक हो सकता है, इतने सारे धन कैसे बता सकते हो? रुपया भी धन बोल रहे हो, दीनार धन है, कमाल कर दिया। आप लोग अपनी बात पे स्टेबल ही नहीं रहते हो, टिकते नहीं हो, कभी रुपया को धन बोलते हो, कभी पौंड को धन बोलते हो, कभी डॉलर को धन बोलते हो, कभी दीनार को धन बोलते हो। एक चीज बताओ, धन क्या है? ये सब धन है। जैसे रुपया धन है, जैसे डॉलर धन है, जैसे पौंड धन है, जैसे दीनार धन है, वैसे ही भगवान का नाम भी सबसे बड़ा धन है, भगवान नाम। बाकी की मुद्राएं तुमको इस देश की यात्रा करा सकती हैं, इस देश की, दूसरे देश की, धरती की यात्रा ही तो करा पाएंगी। लेकिन एक बात है, एक देश की मुद्रा दूसरे देश में काम नहीं आती, आती है। अभी डॉलर लेकर के आओ और एक मोची को कहो कि जूते पे सिलाई कर दे डॉलर ले, जो उसके बारे में जानेगा ही नहीं, वो क्या कहेगा? भैया रुपया दे, ये क्या दे रहा है? पन्नी की तरह, ये कागज क्या दे रहा हमें? रुपया। समझ रहे बात? एक देश की मुद्रा दूसरे देश में काम नहीं आती है, वहां पर एक्सचेंज करानी पड़ती है। लेकिन एक बात बताएं, कभी विचार करो, जब इस धरती देश को छोड़ करके और स्वर्ग देश में जाएंगे तो वहां पर, और देश में तो एक्सचेंज काउंटर है लेकिन ऊपर एक्सचेंज काउंटर नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा? बोले स्वर्गेस्ति नारायण नाम मुद्रा, स्वर्गेस्ति नारायण नाम मुद्रा, नताम बिना कापि गतिर नरस्य, नताम बिना कापि गतिर नरस्य। तो सुदामा के पास में भगवान नाम का खजाना भरा पड़ा हुआ है। नाम जपते हैं, कृष्ण 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 कृष्ण, इनकी पत्नी नाम जपती है, इसलिए ब्रह्म वित्तमः, भगवान नाम का खजाना है। तीसरा विरक्त, इनका गुण देखो, पहली बात सखा है, साथ में भगवान के पाते हैं, जो भगवान पा रहे हैं, साथ में पाने का मतलब जो भगवान पाएंगे वो ये पाएंगे। ब्राह्मण का मतलब धर्म युद्ध, धर्म से जुड़ा हुआ जीवन। ब्रह्म वित्तम माने भगवान नाम का खजाना। अच्छा, और संसार में इनकी क्या स्थिति है? बोले विरक्त, अनुरक्त नहीं है, विरक्त है। और एक चीज, इनको अपने नौकरों से काम कराने का गुण भी आता है। सुदामा के पास नौकर हैं? अरे सबके पास नौकर है, सुदामा के पास क्यों नहीं होंगे? बोले कौन से नौकर हैं? ये इंद्रिय रूपी नौकर हैं,
ये सुदामा के चलाए चलते हैं, सुदामा इनके चलाए नहीं चलता। नेत्रों को कहेगा कि भगवत दर्शन करने हैं, हृदय को कहेगा कि चिंतन करना है, वाणी को कहेगा कि नाम जपना है, कान को कहेगा कि कथा सुनना है, जो कहेगा वो ये नौकर करेंगे। इसलिए इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों का वास्तविक अर्थ जानते हो क्या है। और एक चीज और इनका गुण सुन लो, प्रशांत आत्मा, बड़ी से बड़ी विपत्ति पड़ जाए जीवन में तो भी इनके जीवन में इनका जीवन अशांत कभी नहीं होता। प्रशांत एक महासागर का नाम भी है, प्रशांत महासागर, ओशन, लेकिन पैसिफिक, लेकिन प्रशांत का अर्थ यह है कि कठिन से कठिन परिस्थिति में भी जिसका जीवन अशांत ना हो उसका नाम प्रशांत है, ये प्रशांत आत्मा है। और दूसरी बात, ये जितेंद्रिय है, इंद्रियों को जीता हुआ है, ये जीव के वश में नहीं है, जीव इनके वश में है, ये मन के वश में नहीं है, मन इनके वश में है। इतने गुण हैं, अब सुन लो फिर से, इतने गुण होने पर ही जीवन धर्म के मार्ग पर, जीवन धर्म से जुड़ा हुआ चलेगा, जीवन भगवान की ओर उन्मुख होगा। जो भगवान पाए वो हम पाए, जीवन में धर्म सदैव रहे, धर्म का त्याग कभी ना हो, भगवान नाम का खजाना जीवन में भरा रहे, संसार में फंसो मत, संसार में तुम रहो लेकिन संसार तुम में ना रहे, तब विरक्त हो। इंद्रियों का वास्तविक मैनेजमेंट होना चाहिए, इंद्रियों का उद्योग होना चाहिए, किधर लगाना है, और कठिन से कठिन परिस्थिति आ जाए उसमें विचलित नहीं होना है, और इंद्रियों को हमेशा जीत करके रखना है। कितने हो गए? 4, 5, 6, 7। ये 7 गुणों अगर जीवन में आ जावे तो भगवान का साथ सदैव बना रहता है। अब इनके जीवन की लौकिक दृष्टि से एक बार डालें नजर तो क्या स्थिति है? बच्चे भूख से तड़पते हैं तो पिलाने को दूध नहीं है, प्यास से तड़पते हैं। हाँ, लौकिक दृष्टि से चून पड़ा हो, आटे का चून, तो चून कपड़े में छान करके पानी मिला करके बच्चों को दूध बनाकर पिलाती है ये मां, ये स्थिति है। और कभी वो भी ना हो तो रोती है, लेकिन धन्य है बच्चों को कभी गलत रास्ते पर चलने की सीख नहीं देती है। एक दिन सुदामा की पत्नी को पता लगा कि मेरे पति के मित्र द्वारिका के राजा हैं, बताया नहीं था पहले, आज पता लग गया। कैसे? ब्राह्मणों ने देख लिया सुदामा की पत्नी को, सुशीला को, आंखों में आंसू भर आए, कहा द्वारिकाधीश तेरे मित्र की पत्नी है। इतनी जीवन की लौकिक दृष्टि से इतनी गरीबी, हम पर कृपा करे ना करे कभी इन पर कृपा करना, तू सोने की नगरी द्वारिका में रहता है और ये 56 भोग तू पाता है और ये एक एक दाने को तरस रहे हैं। अंदर गई सुदामा की पत्नी, सुदामा को कहा स्वामी एक बात पूछूं, सत्य सत्य कहोगे? बोल सुशीला देवी। बोले आपके मित्र कोई द्वारिका के राजा है? जो सुना सुदामा की आंखें भर आई, तुझसे किसने कहा? बोले ब्राह्मण कह करके जा रहे थे। बोले देवी ब्राह्मण झूठ नहीं बोलते, हम और द्वारिकाधीश दोनों बचपन के बाल्यकाल के मित्र रहे हैं, सखा रहे हैं। स्वामी जिनका नाम हम हमेशा लेते हैं वो कृष्ण द्वारिका के ही राजा है, और द्वारिका के ही नहीं वो सारे धरती के राजा है। स्वामी धरती के ही नहीं ब्रह्मांड के राजा है। स्वामी एक बात कहूं, इतने बड़े राजा के मित्र होकर के भी घर में गरीबी इतनी, आप एक बार अपने मित्र से मिलने चले जाओ, इसको इस रूप में देखो कि सुदामा जीवात्मा है और इनकी पत्नी है सद्बुद्धि। सद्बुद्धि का कार्य है भगवान की ओर प्रेरित करना, भगवान की ओर भेजना। मैं नहीं जाऊंगा,
जीवात्मा मना कर रहा है, मैं नहीं जाऊंगा, बुद्धि की सुन नहीं रहा। लेकिन बुद्धि विवेक से युक्त है और बार बार कहती है, जाओ जी द्वारिका जाओ जी, आठों याम यही रट लागे, आठों याम जाओ जी, ए जी जाओ, नाथ जाओ चले द्वारिका को, इस नगर में गुजारा नहीं है, दूर कर देंगे दुख मुरली वाले, अब किसी का सहारा नहीं है, कहने मानो तुम स्वामी हमारी, मित्रता है प्रभु से तुम्हारी, देख लो तो मुसीबत में किसने बंसी वाला पुकारा नहीं है, देख लो तो मुसीबत में किसने बंसी वाला पुकारा नहीं है। आज सुदामा कहते हैं मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन कृष्ण मुझसे छोटा है, बच्चे देखेंगे तो कहेंगे ताऊजी आए, ताऊजी लाए क्या। जहां पर स्थिति मांगने की प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा हो कि सुदामा तेरे पास है क्या, वहां पर भी भावना सुदामा के मन में देने की है। जीवन में सबसे बड़ा बादशाह कौन है जिसके जीवन में देने की भावना है, मांगने की नहीं। दुनिया का बादशाह वही है। जिसे कबहू न चाहिए कछु, सो जग शाहंशाह, जिसको कबहू न चाहिए कछु, सो जग शाहंशाह। मांगना व्यक्ति को भिखारी बना देता है और देना बादशाह बना देता है। ये जीवन सुदामा ने कहा, देवी घर में कुछ हो तो जाऊं, नहीं तो नहीं जाऊं। महाराज, सुदामा की पत्नी दौड़ करके जाती है एक घर में हाथ पसार करके, माताजी एक मुट्ठी चावल मिल जाए। देखो, ब्राह्मण का धर्म भिक्षा मांगना नहीं है, कोई ब्राह्मण भिक्षा नहीं मांगता। बताओ किसी ब्राह्मण ने भिक्षा मांगी हो तो? ब्रह्मचारी भिक्षा मांगता है, सन्यासी भिक्षा मांगता है, ब्राह्मण भिक्षा नहीं मांगता जो गृहस्थ में है। और कोई कहता है ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा, गलत। इतने ब्राह्मण हुए आज तक कभी भिक्षा नहीं मांगी। वशिष्ठ ने कहा मांगी भिक्षा, अगस्त ऋषि ने कहा मांगी भिक्षा, जमदग्नि ने कहा मांगी भिक्षा, ब्राह्मण भिक्षा नहीं मांगता। ब्राह्मण को कोई देता है तो लेता है, और ब्राह्मण कभी लेता है तो देता भी है। ब्राह्मण का कर्तव्य दोनों है, दान लेना भी और दान देना भी। ऐसा नहीं कि ब्राह्मण केवल लेवे लेवे का काम करे ना, ब्राह्मण देता भी है, लेता भी है, देता भी है। लेता का मतलब कोई देगा तो लेगा, और नहीं तो प्रदान भी करेगा। यही धर्म है।